हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और एफ कैट की प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो उसी प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए प्रैक्टिस मॉक ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, और जो कि इन सेशंस के रूप में, और आज का जो सेशन है वो एफ कैट के इंग्लिश पेपर का है। और आज के सेशन में हम क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और मैं और आप डिस्कस करेंगे कि उन क्वेश्चंस को अगर वो एग्ज़ाम में आते हैं तो आपकी अप्रोच क्या रहेगी और आप उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का जो सेशन है वो पूरा ग्रामर पे फोकस्ड है। एरर्स के क्वेश्चन होंगे और इससे हम काफ़ी सारे एरर्स के और ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से आपको सेंटेंस पढ़ना है। सेंटेंस चार पार्ट्स में डिवाइडेड है और आपको बताना है कि कौन सा पार्ट में एरर है। ठीक है, तो आप एक बार पहले वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट कर लेंगे और उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे और फिर मैच करेंगे कि क्या आपका जो अटेम्प्ट था वो सही था या नहीं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, द ऐब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स आर नाउ अंडरस्टूड, या नो एरर। अब इसमें एरर कहाँ पे है? तो जो ये वर्ड है द ऐब एंड फ्लो, इसको हम एक सिंगुलर फ्रेज की तरह कंसिडर करते हैं। like, जैसे होता है आपका ब्रेड एंड बटर, दो वर्ड्स होते हैं ब्रेड एंड बटर, बट हम सिंगुलर ही उसको कंसिडर करते हैं। या फिश एंड चिप्स, इसमें भी दो वर्ड है, फिश अलग वर्ड है, चिप्स अलग वर्ड है, बट कम्बाइंड है और हम इसको एक सिंगुलर वर्ड की तरह कंसिडर करते हैं और हमेशा इनके साथ जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है। तो यहाँ पर भी जो ऐब एंड फ्लो है वो बना तो दो वर्ड से है, बट है उसको हम कंसिडर करेंगे एक वर्ड की तरह ही। तो द ऐब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स, यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा। तो हमारा एरर किस में था? बी पार्ट में था। तो बी इज आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, सिंस हिज अराइवल एट हिज, पहले आप एक बार पॉज कर ले, सॉल्व कर ले, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखिएगा। चलिए, सिंस his arrival at his native town, he is trying to the best of his ability to spread education among the masses. अब इस सेंटेंस में एरर कहाँ पे है? तो देखिए, दो वर्ड्स होते हैं, एक तो होता है आपका सिंस और दूसरा वर्ड होता है आपका फॉर। जब भी ये सिंस और फॉर किसी सेंटेंस में टाइम को रेफर करते हैं, जैसे सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करता है और फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम को रेफर करता है, तो हमेशा जिस सेंटेंस में ये सिंस और फॉर टाइम के लिए आते हैं तो वो सेंटेंस या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होती है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होती है। तो आपको ध्यान देना है, जहाँ पे सिंस एंड फॉर है टाइम का रेफरेंस दिया जा रहा है तो सेंटेंस किस में होगी? प्रेजेंट परफेक्ट में होगी या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगी। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है हैज हैव प्लस V3, और कॉन्टिन्यूस का होता है हैज हैव के साथ बीन प्लस V3। ठीक है, अब यहां देखिए, सिंस हिज अराइवल एट हिज नेटिव टाउन ही इज ट्राइंग, जो सेंटेंस है जो ये वर्ब है इज ट्राइंग, ये एक्चुअली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, इसे हम करेंगे हैज बीन ट्राइंग। ठीक है, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है, तो इससे ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो एरर किस में था? बी पार्ट में एरर था। नेक्स्ट, वन ऑफ माई फ्रेंड, एक मिनट पहले आप पॉज करके सॉल्व कर ले, मैं भागा जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, वन ऑफ माई फ्रेंड came running to me and gave me this good news. अब इसमें एरर कहाँ पे है? तो जब भी ये फ्रेज यूज होता है, वन ऑफ प्लस कोई नाउन, ठीक है, वन ऑफ लिखा होता है प्लस कोई नाउन लिखा होता है, जिसमें जो नाउन होती है ना ये हमेशा प्लूरल होती है। ठीक है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड है, फ्रेंड सिंगुलर है, हमें इसको करना होगा फ्रेंड्स। तो एरर कहाँ था हमारा? ए में था। इसी तरह से एक और कंस्ट्रक्शन होता है ईच ऑफ, ईच ऑफ के साथ भी आप प्लूरल नाउन ही यूज करते हैं, ईच ऑफ द फ्रेंड्स, ईच ऑफ द बर्ड्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप सॉल्व कर ले फिर मैं करूंगा। चलिए, व्हाइल इट इज एपरेंट दैट बायोटेक्नोलॉजी ऑफर सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स,
adequate attention has not been focused to this vital area. तो इस sentence में error कहाँ पे है? तो एक word होता है focus, ठीक है, मतलब किसी चीज़ पे attention देना. इसके साथ जो preposition use होती है वो होती है हमेशा on, ठीक है. Focus on something, like you should focus on your studies if you want to clear the FCAT exam. तो यहाँ पे क्या है कि focused के साथ to लगा हुआ है जो कि incorrect है, हमें on करना होगा इसको. और इसको to को on करने से हमारा sentence correct हो जाएगा. तो error कहाँ था हमारा? D part में था, sorry, C कर दिया, D में था, ठीक है. Next question. He is trying to earn money for myself and him. Yeah, no error. अब इसमें कहाँ पे error है? तो he is trying to earn money for, मतलब वो पैसा कमाना चाह रहा है किसके लिए? हमें for preposition का object ढूंढना है. यहाँ पे लिखा है myself and him, ठीक है. तो for him तो सही है, but for myself नहीं होगा, for me होगा. Like he is trying to earn money for me, वो मेरे लिए और उसके लिए पैसा कमाना चाह रहा है. तो हमारा एरर किस में था? सी में था, ठीक है. तो फॉर जो होता है एक प्रेपोजिशन होता है, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आती है. अगर कोई प्रोनाउन है तो वो भी अपने ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही आएगा. तो माई का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है मी, तो मी यहाँ पे हमने कर दिया और सेंटेंस को कलेक्ट कर दिया हमने. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द डॉक्टर ऑब्जर्व दैट द पेशेंट वॉज ग्रेजुअली बिकमिंग वीक. इसमें एरर कहाँ पे है? देखिए, इस सेंटेंस में आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना है. अगर आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया है तो आप एरर आसानी से मार्क कर लेंगे. सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है कि डॉक्टर ने ये ऑब्जर्व किया कि जो पेशेंट था वो ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था. कमज़ोर होता जा रहा था मतलब पहले जितना कमज़ोर था उससे और कमज़ोर, फिर और कमज़ोर, फिर और कमज़ोर, मतलब उसका जो स्टेट था, हेल्थ था, वो ख़राब होते जा रहा था. तो वहाँ पे, यहाँ पे लिखा है वॉज ग्रेजुअली बिकमिंग वीक. और वीक को हमें वीकर करना होगा यहाँ पे, जिससे कि ये सेंस मिलेगा कि वो वीकर, मतलब कि एक वीक स्टेट से सेकंड उससे बेकार वाली वीक स्टेट या उससे खराब वाले वीक स्टेट में वो पहुँच रहा था. अगर हम ये लिखेंगे कि वाज ग्रेजुअली बिकमिंग वीक, तो वीक एक स्टेट हो गई, ठीक है. वो बता रही कि हाँ वो कमज़ोर हो गया है. ही हैज़ बिकम वीक, वो कमज़ोर हो गया है. बस सेंटेंस ये नहीं कह रहा, सेंटेंस कह रहा है कि वो कमज़ोर होता जा रहा है. मतलब पहले कमज़ोर था, अब और कमज़ोर हो गया, कल और कमज़ोर हो जाएगा वो. तो हमें इसको वीक को वीकर करना होगा जिससे ये सेंस मिलेगा. तुम्हारा एरर किस में था? डी में. नेक्स्ट. एज सून एज आई शैल रीच मुंबई आई शैल सेंड यू द फाइल यू हैव आस्क्ड फॉर. नो एरर. अब देखिए, अगर किसी सेंटेंस में दो जगह पे फ्यूचर टेंस के वर्ब का यूज़ होता है, फ्यूचर टेंस के वर्ब का मतलब क्या होता है? विल और शैल. तो अगर किसी सेंटेंस में दो जगह विल या दो जगह शैल है, तो जहाँ पे किसी कंडीशन या टाइम या की बात हुई है वहाँ पे हम विल को हटा देंगे. जैसे यहाँ पे एज सून एज आई शैल रीच मुंबई, मतलब जैसे ही मुंबई पहुँचूंगा, टाइम की बात हो रही है, ठीक है. तो एज सून एज आई शैल रीच मुंबई आई शैल सेंड यू द फाइल यू हैव आस्क्ड फॉर. तो ये जो क्लॉज है ना कि आई एज सून एज आई शैल रीच मुंबई, ये टाइम का बताने वाला क्लॉज है. तो जब भी टाइम या कंडीशन बताने वाला क्लॉज होता है और अगर उसमें विल लगा है तो आप वहाँ से, या शैल लगा है तो आप वहाँ से विल और शैल को हटा देते हैं. तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? एज सून एज आई रीच मुंबई आई शैल सेंड यू द फाइल यू हैव आस्क्ड फॉर. रीच किया हमने क्योंकि आई को हम प्लूरल देते हैं, तो रीच सही है. अगर ही या शी होता तो रीचेस हो जाता, ठीक है. तो एरर कहाँ था हमारा? ए था. तो एज सून एज, अगर कंडीशन होता, जैसे अगर इफ़ दिया रहता है, कंडीशन में इफ़ दिया होता है, अनटिल दिया होता है, अनलेस दिया होता है, तो वहाँ पर भी आप ए कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है. चलिए, ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है और काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है. द स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम आर नॉट एबल टू कोप अप विद द न्यू सिलेबस, ठीक है. क्या है? द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉमर्स स्ट्रीम आर नॉट एबल टू कोप अप विद द न्यू सिलेबस. तो देखिए, सही वर्ड जो होता है वो कोप अप नहीं होता है, कोप होता है, ठीक है. कोप अप तो ऐसे लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया है, कोप अप, मैं कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ अपने ब्रेकअप से, मैं कोप अप नहीं कर रहा हूँ एग्जाम के प्रेशर से. बट
कोप अप नहीं होता है, कोप होता है. ठीक है, आई एम नॉट एबल टू कोप विद द प्रेशर ऑफ स्टडीज, या आई एम नॉट एबल टू कोप विद द प्रेशर ऑफ कुछ भी, जिसे भी आप नहीं, जिसको भी आप नहीं से डील कर पा रहे. तो जो करेक्ट वर्ड है वो है कोप. तो एरर कहाँ है? सी में. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ईच ऑफ, एक मिनट पहले आप कर ले, पॉज करके पहले क्वेश्चन सॉल्व कर ले, फिर हम करेंगे आपके लिए. चलिए, ईच ऑफ द बुक्स ऑन द सेल्फ टेल अ डिफरेंट स्टोरी, या नो एरर. इसमें क्या है? तो अभी कुछ क्वेश्चंस पहले हमने वन ऑफ द और ईच ऑफ द कॉन्सेप्ट सीखा था, याद होगा आपको. तो या ईच ऑफ द के साथ बुक्स तो प्लूरल सही है, तो यहाँ पे तो कोई एरर नहीं है. यहाँ पे नो, ये पार्ट नो एरर का पार्ट है. तो फिर एरर कहाँ पे है? यहाँ पे. ये टेल नहीं, टेल्स होगा, क्योंकि ईच ऑफ द या वन ऑफ द के साथ हमेशा नाउन तो प्लूरल होती है, पर वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है. ठीक है, वर्ब. हाँ ठीक है, जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट, या वन ऑफ द एप्पल्स हैज फॉलन डाउन. देखा, आर यूज नहीं किया पहले सेंटेंस में और हैव नहीं यूज किया सेकेंड में. तो हमेशा ईच ऑफ द के साथ क्या होगा? नाउन तो प्लूरल होगी बट वर्ब सिंगुलर होगा. तो उस तरह से हमने टेल पता है आपको कि जो वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है, और एस और एस वाला सिंगुलर होता है. तो हमने टेल्स कर दिया यहाँ पे और सेंटेंस को सही कर दिया. तो एरर कहाँ पे था? सी पार्ट में था. ओके चलिए इसको डिस्कस करते हैं. द माउंटेन ट्रेल हुम वी हाइक लास्ट समर ऑफर्ड ब्रेथ टेकिंग व्यूज ऑफ द वैली. कहाँ पे है एरर? द माउंटेन ट्रेल हुम वी, लिखा यहाँ पे हुम वी हाइक, हुम नहीं विच वी हाइक, क्योंकि हु या हुम हम पीपल के लिए यूज करते हैं, बाकी एनिमल्स हो गए, कोई ऑब्जेक्ट हो गया जैसे टेबल चेयर बुक, या कोई प्लेस हो गया जैसे हिल माउंटेन बीच, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? विच. ठीक है, तो क्या होगा? द माउंटेन ट्रेल विच वी हाइक लास्ट समर ऑफर्ड ब्रेड टेकिंग व्यूज ऑफ द वैली. अब विच की जगह पे यहाँ पे डैट भी लग सकता है, बट चूंकि आप देख रहे हैं कि अभी कॉमा लगा हुआ है, मतलब अगर कॉमा से हम किसी क्लॉज को सेपरेट करते हैं तो वो एक नॉन एसेंशियल क्लॉज बन जाता है, मतलब एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देता. तो जहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन का सेंस आता है वहाँ पे विच लगता है, और अगर आप यहाँ पे डैट लगा देते तो आपको कॉमा को हटाना पड़ता. ठीक है, बट कॉमा दिया है तो विच ही लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए, दिस इज द ओनली बुक विच आई हैव नॉट रेड येट. यही एक किताब है जो अभी तक मैंने नहीं पढ़ी है. ठीक है, दिस इज द ओनली बुक विच आई हैव नॉट रेड येट. अब हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि विच या दैट हम लगा सकते हैं. विच लगा सकते हैं हम ऑब्जेक्ट्स के लिए, प्लेसेस के लिए, एनिमल्स के लिए. दैट हम सब के लिए लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस, एनिमल्स, पीपल के लिए भी लगा सकते हैं दैट. तो दिस इज द ओनली बुक विच आई हैव नॉट रेड येट. अब क्या ये सेंटेंस में विच भी लगा हुआ है? बुक ऑब्जेक्ट है, साथ में विच लगा है, तो क्या ये सेंटेंस नो एरर का है? बिल्कुल नहीं, इसमें एरर है. यहाँ पे विच नहीं होगा, डैट होगा. अब डैट क्यों होगा, विच क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पे एक फ्रेज है, द ओनली. द ओनली जिस भी सेंटेंस में आता है उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन होती है वो विच नहीं डैट यूज होती है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि द ओनली अगर लिखा है तो आप विच को डैट बनाएंगे. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है, और स्टूडेंट्स बार बार इसको गलत कर देते हैं. उन्हें लगता है कि ऑब्जेक्ट है तो विच सही है, बट वहाँ वो द ओनली को देखना भूल जाते हैं. तो एरर कहाँ था हमारा? एरर ए में नहीं था, एरर था बी में. हाँ, अब देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में द ओनली को देखा, तो द ओनली की तरह ही द सेम, द फ्यू, द लिटिल, ऑल, एनी, नन, मच, नो, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, जैसे द बेस्ट, द वीकेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, उनके साथ हमेशा डैट लगता है.
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको अच्छे से समझ लेंगे, देख लेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स हैं और वहाँ विच लगा हुआ है तो आप विच को हटाएंगे और उस विच को आप डैट कर देंगे, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ इट रेन्स टुमारो वी स्टे इनडोर्स एंड वॉच मूवीज, या नो एरर, कहाँ पे एरर है? तो इफ इट रेन्स टुमारो वी स्टे इनडोर्स एंड वॉच मूवीज, पहले क्लॉज पे ध्यान दीजिए। पहला क्लॉज क्या है? इफ इट रेन्स टुमारो, इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि इफ प्लस प्रेजेंट टेंस लिख देता हूं मैं कि इफ इट रेन्स इफ प्लस प्रेजेंट टेंस। तो जब इफ के साथ प्रेजेंट टेंस यूज होता है तो ये सेंटेंस क्या कहलाता है? फर्स्ट कंडीशनल। तो फर्स्ट कंडीशनल के सेंटेंस में क्या होता है कि जो इफ इट रेन्स टुमारो जो पहला क्लॉज है, क्लॉज वन जो कि कंडीशन बता रहा है, वो प्रेजेंट टेंस में होता है, पर जो सेकंड क्लॉज होता है ना उसमें वी स्टे इंडोर्स नहीं, वी विल स्टे इंडोर्स। इसमें क्या होता है? हम विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में, और यहां पे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये फर्स्ट कंडीशनल आपको याद रखना है कि फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है, इफ के साथ प्रेजेंट, फर्स्ट कंडीशनल में जो कंडीशन वाला पार्ट होता है, जो इफ के साथ स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा इफ के साथ जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो कंडीशन वाला पार्ट है और उसको आप प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। मतलब इफ के साथ आप वर्ब की, इफ के साथ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, देख लेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग, बट वर्ब हमेशा प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए। जो सेकेंड है क्लॉज है उसमें हम विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। अब विल तो पता है मॉडल वर्ब है तो उसके साथ तो हमेशा बेस वर्ब ही आएगी, तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो हमेशा वी विल स्टे आएगा यहाँ पे। तो एरर कहाँ पे था हमारा? एरर था हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई हैड $1,000,000 आई विल ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। अब ये भी एक कंडीशनल का ही क्वेश्चन है। ये कौन से कंडीशनल का है? सेकेंड कंडीशनल का है, इसको हम कहते हैं सेकेंड कंडीशनल। इसमें क्या होता है? पहला इफ आई हैड $1,000,000 ये पास्ट टेंस में होता है, ठीक है, और ये इफ वाला क्लॉज जो कि कंडीशनल वाला क्लॉज है ये होता है इफ प्लस पास्ट टेंस में होता है, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। ये जो होता है यहाँ पे जो विल होता है ये वुड बन जाता है, यानी कि वुड या शुड होगा या कुड होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वुड शुड कुड भी मॉडल वर्ब्स हैं तो मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो आपको ध्यान क्या देना है, अगर इफ के साथ पास्ट टेंस है मतलब वो सेकंड कंडीशनल का सेंटेंस है, और आपको विल नहीं उसमें वुड शुड कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इसका एक और स्ट्रक्चर होता है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस पार्ट को जो कंडीशन वाला पार्ट है इसको मैं इफ आई हैड की जगह हैड आई $1,000,000 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, हैड आई $1,000,000। तो ये इन्वर्जन हो गया, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि पहला वाला आपका पास्ट टेंस में अगर है इफ के साथ, अगर कंडीशनल सेकंड लग रहा है तो वो जो आपका सेकंड क्लॉज होगा उसमें वर्ड शुड कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो इसमें एरर बी में था, ठीक है। चलिए ये देखते हैं, कर लिया आपने सॉल्व, ठीक है। इफ सी हैड स्टडीड हार्डर शी वुड पास द एग्जाम, इफ सी हैड स्टडीड हार्डर सी वुड पास द एग्जाम, या नो एरर। तो ये भी एक कंडीशनल है, ये थर्ड कंडीशनल है। थर्ड कंडीशनल में क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म में क्या होते हैं? हैड स्टडीड, मतलब पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो कौन सा टेंस होता है? वो पास्ट परफेक्ट होता है, ठीक है। तो इफ शी हैड स्टडीड हार्डर सी वुड पास, नहीं सी वुड हैव
पास्ट, ठीक है। अगर हैड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है कंडीशनल में, मतलब अगर कंडीशनल पार्ट जो है, कंडीशनल क्लॉज जो है वो अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो जो सेकंड क्लॉज होगा वो आपका वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा। किस में होगा? वुड लिखेंगे, यहाँ पे वही है वुड, शुड, कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया आपका थर्ड कंडीशनल, ठीक है। तो वहाँ पे वुड पास्ट नहीं होगा, वुड हैव पास्ट होगा, ठीक है। तो एरर कहाँ था हमारा? सी में था। चलिए, इफ ही वॉज अ बर्ड ही वुड फ्लाई टू द हाइएस्ट माउंटेन्स। ओके, क्या है एरर इस क्वेश्चन में? इफ ही वॉज अ बर्ड, अगर वो चिड़िया होता वो सबसे ऊंची पर्वत तक उड़ के चला जाता, ठीक है। पर वो चिड़िया तो है नहीं, वो तो इंसान है, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? एक इमेजिनरी सिचुएशन की बात हो रही है कि अगर वो होता तो ऐसा होता, बट वो है, वैसा है नहीं। तो जब भी किसी इमेजिनेशन की बात होती है या ऐसी सिचुएशन की बात होती है जो रियल नहीं हो सकता, तो वो हमेशा जो कंडीशनल पार्ट होता है उसमें जो वर्ब होता है वो वॉज नहीं वर हो जाती है। इफ़ ही वॉज अ बर्ड नहीं, इफ़ ही वर अ बर्ड, इफ़ ही वर अ बर्ड। तो आप बोलेंगे सर ये तो गलत लग रहा है, ही के साथ तो वॉज लगता है पास्ट टेंस में। वॉज लगता है, लेकिन जब अनरियल सिचुएशन की, इमेजिनरी या अनरियल सिचुएशन की बात होती है तो इफ ही वॉज नहीं वर होता है। अगर ही को शी बना दूँ तो भी वर होगा, अगर किसी का नाम लिख दूँ राकेश, रमेश, संध्या, तो भी वर ही होगा। वी भी होगा तो वर होगा, दे भी होगा तो वर होगा। आपको ध्यान देना है कि बस वो सेंटेंस एक अनरियल या एक इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहा हो। तो एरर किस में था हमारा? पार्ट ए में था। ओके, चलिए, ये सेंटेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप इसे सीखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स वेर प्राउड ऑफ द स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स, ठीक है। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के साथ साथ जो टीचर्स भी थे वो काफ़ी प्राउड थे स्टूडेंट्स के अचीवमेंट्स को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स ने अब तक ये क्वेश्चन काफ़ी करेक्टली सॉल्व भी कर दिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं बता देता हूँ, और जिन्होंने कर लिया वो अपना आंसर ही मैच कर लेंगे। कि द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स वर नहीं होगा, वॉज होगा यहाँ पे। अब सर वर क्यों नहीं होगा, वॉज क्यों होगा? यहाँ पर तो प्रिंसिपल हैं और टीचर्स भी है और सब के सब प्राउड है, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो वॉज क्यों कर दिया, वर क्यों नहीं किया? तो वर्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो वर्ड आप देख रहे हैं एज वेल एज, इसकी वजह से ही, इसका होना ही वो कारण था जिससे हमें वर को वॉज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब भी आपको सेंटेंस में दो सब्जेक्ट, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वन है प्रिंसिपल और सब्जेक्ट टू है टीचर्स, तो दो सब्जेक्ट जब भी ज्वाइंड हो एज वेल एज से, तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि जो वर्ब आप यूज़ करेंगे वो हमेशा सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग। अब चूंकि सब्जेक्ट वन प्रिंसिपल था और प्रिंसिपल सिंगुलर है, तो हमने वहाँ पे वॉज कर दिया। अब अगर हम चेंज कर देते, यहाँ पे कर देते टीचर्स, यहाँ पे कर देते प्रिंसिपल, तो यहाँ पे टीचर्स हो गए द टीचर्स, तो किसके साथ यूज, किसके अकॉर्डिंग यूज होगा वर्ब? पहले सब्जेक्ट के साथ, तो वहाँ पे वर्ब सही हो जाता, पर प्रिंसिपल था तो वॉज करना पड़ा हमें। तो एरर किस में था? बी में। अब एक कॉन्सेप्ट उसी से रिलेटेड है, यहाँ पे मैंने और वर्ड्स आपको दिए हैं, जैसे एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, विथ, इन एडिशन टू, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, रादर देन, एक्सेप्ट, नो लेस देन, नथिंग बट, मोर देन वन। अगर दो सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में इन वर्ड्स से जुड़ा हुआ है, तो हमेशा जो वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, जो सेंटेंस में सबसे आगे लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग। कब? जब दो सब्जेक्ट्स इन सारे वर्ड्स से जुड़े हुए हैं, एज वेल एज से जुड़े हैं, अलॉन्ग विथ से जुड़े हैं, टुगेदर विथ से जुड़े हुए हैं, रादर देन से जुड़े हुए हैं, इन सारे वर्ड्स से। तो इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें
ये वर्ड यूज हुए हो तो आप उस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कर पाए. ओके हाँ चलिए. आई थिंक वी हैंडल द सिचुएशन बेटर देन देम. ठीक है, एरर कहाँ पे? आई थिंक वी हैंडल द सिचुएशन बेटर देन देम मतलब हमने सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल किया, उन्होंने उतने बेहतर तरीके से हैंडल नहीं किया था. ठीक है, तो आई थिंक वी हैंडल द सिचुएशन बेटर देन देम, इसमें एरर कहाँ पे है? एरर हमारा सी पार्ट में है, बेटर देन दे. ठीक है, आई थिंक वी हैंडल द सिचुएशन बेटर देन दे. अब बोलने में थोड़ा सा ऊट पटांग लग रहा होगा कि सर देम तो सही लग रहा था बोलने से, तो बस इंग्लिश की यही तो खूबसूरती है, यही तो ब्यूटी है कि कभी कभी हमें जो लगता है कि जो बोलने में सही है वो सही होता नहीं है, जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है. तो आई थिंक वी हैंडल द सिचुएशन बेटर देन देम, नहीं दे होगा, दे क्यों होगा? कि कंपैरिजन किससे हो रहा है? हमसे हो रहा है, वी से. आई थिंक वी हैंडल द सिचुएशन बेटर देन देम, ये जो हैंडल्ड वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन है? वी है. ठीक है, तो वी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन तो सब्जेक्ट से ही होगा ना, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, कंपैरिजन सेम चीज़ का होता है, अलग अलग चीज़ का नहीं होता. तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से नहीं हो सकता, देम क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है. तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से करना था, तो हमने देम को दे कर दिया और सेंटेंस हमारा हो गया करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट. वेरी बेस्ट कॉफी शॉप इन टाउन सर्व्स द मोस्ट डिलीशियस लैटेस, नो एरर. इसमें एरर कहाँ पे है? और एरर कौन सा एरर है? अगर आपने करेक्टली वो पार्ट आइडेंटिफाई कर लिया है कि सर ए में एरर है, बी में है, सी में है, डी में है, तो बहुत अच्छी बात है. बट अगर आपने एरर कौन सा है वो भी आइडेंटिफाई कर गए हैं इसमें, तो मैं समझ जाऊँगा कि आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है. तो एरर कहाँ पे है? वेरी बेस्ट कॉफी शॉप इन टाउन सर्व द मोस्ट डिलीशियस लाटेस. एरर हमारा ए में है, और क्या है कि वेरी के आगे द आएगा, द वेरी बेस्ट कॉफी शॉप. क्यों? क्योंकि जब भी वेरी वर्ड किसी सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ यूज होता है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव का है तो बेस्ट, वर्स्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट ब्यूटिफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, तो द हमेशा उसके आगे आता है, यानी कि द फिर वेरी फिर सुपरलेटिव एडजेक्टिव. तो हमने द फिर वेरी फिर बेस्ट कॉफी शॉप इन टाउन सर्व द मोस्ट डिलीशियस लाटेस. तो एरर था हमारा पार्ट ए में. अब इसको सॉल्व कीजिए. अच्छा, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिए. चलिए, द मच टॉलेस्ट टावर इन द सिटी इज एन आइकॉनिक लैंडमार्क. द मच टॉलेस्ट टावर इन द सिटी इज एन आइकॉनिक लैंडमार्क, वेयर इज द एरर इन दिस क्वेश्चन. एरर कहाँ पे है? एरर हमारा फिर से पार्ट ए में है. द यहाँ नहीं आएगा, द आपका यहाँ पे आएगा. सेंटेंस होगा मच द टॉलेस्ट टावर इन द सिटी. कॉन्सेप्ट क्या है? वही कॉन्सेप्ट है, हमने यहाँ पे द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव किया, पर जब वेरी की जगह मच यूज हो सेंटेंस में, मच एम यू सी एच मच प्लस, तो द उसके बाद आ जाता है और फिर आती है सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है, तो मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव, मच द टॉलेस्ट, मच द बेस्ट, मच द वर्स्ट, मच द मोस्ट इंटेलिजेंट, ऐसे. ठीक है, चलिए, तो एरर कहाँ था हमारा? पार्ट ए में था. ओके, चलिए, द टाइनी कपकेक वाज इनफ स्मॉल टू फिट इन द पाम ऑफ माय हैंड. इसमें एरर कहाँ पे है? मिला? चलिए, एक वर्ड होता है इनफ, ये अगर किसी एडजेक्टिव के साथ यूज हो तो उसके बाद आता है, और अगर नाउन के साथ यूज हो तो उससे पहले आता है. ठीक है, जैसे एडजेक्टिव के साथ अगर यूज हो तो क्या बोलेंगे? इनफ, स्मॉल इनफ, स्ट्रॉन्ग इनफ, स्मार्ट इनफ, कहेंगे ना कि शी स्मार्ट इनफ टू डू दिस टास्क, कहेंगे. अगर नाउन के साथ यूज हो,
जैसे इनफ सुगर, इनफ मनी, इनफ वाटर, तो इनफ कहाँ आएगा? नाउन से पहले आएगा कि देर इज इनफ फूड फॉर एवरीबडी, देर इज नॉट इनफ वाटर इन द जग. तो यहाँ पे स्मॉल क्या है? एडजेक्टिव है. तो एडजेक्टिव के साथ बाद में आता है, यहाँ पहले आया हुआ है, यहाँ से इसको हटाओ और यहाँ पे लाओ. तो द टाइनी कप वॉज स्मॉल इनफ टू फिट इन द पाम ऑफ माई हैंड, द एरर वॉज इन बी. चलिए द टीम, एक मिनट पहले आप सॉल्व कर ले फिर मैं करूँगा. द टीम हैड प्लेयर्स इनफ टू पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट. आप भी सोच रहे होंगे कि सर वो कितनी जल्दी है भागे जा रहे हैं, सर हमें सॉल्व भी नहीं करने दे रहे. तो नहीं नहीं कर लीजिए आप पहले सॉल्व फिर मैं करूँगा. द टीम हैड प्लेयर्स इनफ टू पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट. अब याद है पहला क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट, इनफ वाला, एडजेक्टिव के बाद नाउन से पहले. नाउन है तो इनफ बाद में क्यों है? पहले आओ. द टीम हैड इनफ प्लेयर्स, वो एरर कहाँ था हमारा? बी में था. द ऑडियंस इज ईगर अवेटिंग द शो टू बिगिन. द ऑडियंस इज ईगर अवेटिंग द शो टू बिगिन. कहाँ पे है एरर? तो सर ये तो बड़ा ईजी क्वेश्चन है, हमें एरर मिल चुका है, एरर पार्ट बी में है. ये तो काफ़ी बच्चे लेवल का क्वेश्चन था. तो बिल्कुल आप सही हैं, पार्ट बी में एरर है. यहाँ पे ईगर नहीं आएगा, ईगरली आएगा. क्यों ईगरली आएगा? क्योंकि अवेटिंग वर्ब है. वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है. ईगर क्या? एडजेक्टिव है. ईगरली एडवर्ब है. तो हमने ईगर को ईगरली बना दिया और हमारा सेंटेंस सही हो गया. एरर किस में था? पार्ट बी में. द जूनियर प्रोग्रामर प्रेफर्स पाइथन देन जावा. जूनियर प्रोग्रामर जो है उसे पाइथन ज़्यादा पसंद है जावा से. वो प्राथमिकता किसको देता है? पाइथन को देता है. चूज़ किसको करता है? पाइथन को चूज़ करता है जावा के ऊपर. ठीक है, तो द जूनियर प्रोग्रामर प्रेफर्स पाइथन देन जावा. इसमें एरर कहाँ पे है? एरर हमारा पार्ट सी में है. देन गलत है, टू आएगा. क्यों आएगा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्रेफर वर्ड के साथ हम टू यूज़ करते हैं, देन यूज़ नहीं करते हैं. आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, आई प्रेफर दिस सर टू डैट वन. ठीक है, तो द जूनियर प्रोग्रामर प्रेफर्स पाइथन टू जावा. तो एरर किस में था हमारा? सी में था. कुछ वर्ड्स हैं जैसे जूनियर, सीनियर, प्रेफर, नोन, इंजूरियस. इसके साथ हमेशा जो प्रेपोजिशन होती है वो हमेशा टू आती है. जूनियर टू, सीनियर टू, प्रेफर टू बोलते हैं ना आप, कि ही सीनियर टू मी या दिस बॉय जूनियर टू मी. तो ये बोलेंगे ना कि दिस बॉय जूनियर दैन मी, ये नहीं बोलेंगे आप. तो जूनियर, सीनियर, प्रेफर के साथ भी टू, नोन टू, जैसे दिस टाउन इज नोन टू मी. ठीक है, होता है. या फिर इंजूरियस, लाइक होते हैं कहते हैं ना स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, टू यूज़ होता है. तो हमेशा इंजूरियस, नोन, प्रेफर, सीनियर, जूनियर के साथ टू यूज़ होता है. हर प्रेजेंटेशन वॉज फिल्ड विथ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट्स. एरर कहाँ पे है? हर प्रेजेंटेशन वॉज फिल्ड विथ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट्स. इंफॉर्मेशन नहीं होता है, इंफॉर्मेशन होता है. ठीक है, क्योंकि इस ये अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल फॉर्म नहीं होता है इसका. तो इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इंफॉर्मेशन होगा. और हमारा एरर किस में था? सी में था. तो कुछ नाउन है जो काउंटेबल, अरे ओहो अनकाउंटेबल हुआ ना. जो फॉलोइंग नाउन है ये अनकाउंटेबल है और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन, एडवाइस, इक्विपमेंट, मशीनरी, ज्वेलरी, फर्नीचर, पोएट्री, सीनरी. ये सारे कभी भी आपको प्लूरल में नहीं लिखने हैं, जैसे इंफॉर्मेशन, एडवाइसेस, इक्विपमेंट्स, है ना, ज्वेलरीज, फर्नीचर्स, मशीनरीज, नहीं लिखना है आपको, मशीनरी लिखना है. अगर प्लूरल का सेंस देना है आपको तो पीसेज ऑफ लगाएंगे आप, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर पीसेज ऑफ एडवाइस, उस तरह से. बट डायरेक्ट प्लूरल नहीं कर देंगे इनको. तो याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि जो नाउन्स है, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, इक्विपमेंट, मशीनरी, ज्वेलरी, फर्नीचर, पोएट्री और सीनरी, ये सारे हमेशा किस में होते हैं? हमेशा, ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, प्लूरल फॉर्म इनका नहीं होता है. ठीक है, ओके.
सो आज का सेशन बस इतना ही था. आई होप आपने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सीखे होंगे. कुछ कॉन्सेप्ट आपने पहले जो सीख रखे थे वो भी रिवाइज हो गए होंगे आपके, और अपकमिंग जो मॉक्स देंगे और जब एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो ये कॉन्सेप्ट और ये क्लास जो आज आपने की वो आपके काफ़ी काम आएगी. तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से, एग्ज़ाम है आपका, अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई कसर नहीं छोड़िए, और हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे जिससे आपकी जो तैयारी है वो और अच्छी हो सके और शार्प हो सके. ठीक है, तो थैंक यू एस्पिरेंट्स एंड हैव अ नाइस डे.